अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सबसे पहले जो सवरात के बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब ये है कि सिवान में काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है अगर अभी से हम लोग जो है कंट्रोल नहीं किए और हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन नहीं किया गया तो यकीनन जो है स्थिति जो है बहुत भयानक हो सकती है सिवान में। इस वजह से कि आज जो है 10 नए मामले सामने आए और वो एक ही परिवार के लोग हैं। एक गांव में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया हुआ था और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे गांव के लोग जो है क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे ही जो है सिवान में जगह जगह हम लोग देख रहे, अभी बाहर गए हुए थे किसी दवा लाने हॉस्पिटल रोड, वहाँ जाके वहाँ आते वक्त देखा, जाते वक्त देखा हमने कि पूरा सड़क पे लोग जो है चल रहे हैं, आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल जो है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि सिवान जो है आज पूरे मुल्क में हर तरफ जो है कोरोना वायरस का जो है खौफ है और कोरोना वायरस जो अपना पैर पसार रहा बहुत तेज़ी से। और इसका एक ही इलाज है कि हम लोग जो है इसके चेन को तोड़ के ही, यानी कि जो है सोशल डिस्टेंस बना के ही जो है इससे हम लोग लड़ सकते हैं और इस पर जो है जीत हासिल कर सकते हैं। आज शब बारात है, स्पेशली जो हम अपने भाई से गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग जो है घर में ही रहें, वहीं से जो है इबादत करें, वहीं अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें कि ये जो मुल्क में जो मुसीबत है, पूरे दुनिया पे जो मुसीबत है कोरोना वायरस के रूप में, वो वायरस जो है ख़त्म हो जाए। और इस वक्त आप लोग से बार बार हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली जो अपने सिवान के भाइयों से, कि आप जो है घर में रहें, इस तरह से सड़क में मतलब के घर के बाहर नहीं जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर जाएं, क्योंकि सड़क पे अभी जहाँ भी जाइए, जिस मोड़ पे, जिस चौराहे पे लोग जो है सड़क पे बैठे हुए दिख रहे हैं, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो एक जगह खड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो है किसी जो है हो सकता है कि हम लोग एक साथ खड़ा होकर जो अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने लिए भी खतरा ले रहे हैं, अपने फैमिली परिवार वालों के लिए भी, अपने मोहल्ले वालों के लिए भी जो हम खतरा पैदा कर रहे हैं। इस खतरा को समझना होगा, इस खतरा से बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग जो है बिल्कुल जो है अपने घरों में रहें और जो है ये घर में बिल्कुल जो है लॉकडाउन का पालन करें पूरी तरह से। और सरकार से भी ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि सरकार जो है जो भी एरिया है पूरे सिवान का, जो भी एरिया जो इस तरह से ज़्यादा प्रभावित है उसको सील करे। दिल्ली में हम लोगों ने देखा तकरीबन जो है 25 जगहों को जो है सील किया गया, वैसे ही जो है सिवान में भी ज़रूरत है, जिस जहाँ जहाँ जो है मामला निकल के ज़्यादा आ रहा है उस एरिया को सील किया जाए, ज़रूरत पड़े तो पूरे सिवान को सील किया जाए और सख्ती से जो है ये लॉकडाउन का पालन कराया जाए। और हम लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है पालन कीजिए और सरकार से और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, आप जो है सख्ती से जो है इस ये लॉकडाउन का पालन करवाएं और लोगों को जो है जागरूक करें, रिक्वेस्ट करें जैसे भी वो लोग घर में रुकें, बिना मतलब के जो है घर से बाहर ना आए। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।